let a vector is equal to I cap plus j cap, b vector is equal to 2i cap minus k cap, then the point of intersection of lines r vector cross a vector is equal to b vector cross a vector, and r vector cross b vector is equal to a vector cross b vector. तो indirectly अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ जाएगा r vector, हमारे पास में r vector क्या है अगर मैं देखूँगा तो r vector cross a vector, फिर है it is equal to b vector cross a vector. दूसरी information है हमारे पास में r vector cross b vector is equal to a vector cross b vector. ओके, अब अगर हम यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज देखें कि इफ आई पुट r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ओके, तो पहली इक्वेशन कंसीडर करता हूँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर. तो इसे मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, एक बार a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर करूंगा, एक बार आएगा a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, रहेगा प्लस में b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ओके, तो अगर a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, दूसरी बार में आएगा b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर. तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये वैल्यू तो क्रॉस प्रोडक्ट की जीरो के इक्वल है, और b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्या है हमारे पास में, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करूँ, मीन्स जो सेकेंड इक्वेशन है मेरी, अब मैं इसे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर रहेगा प्लस में b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो यहाँ से ये क्या होगा, ये वाली टर्म तो हमारी जीरो हो जाएगी, और आ गया क्या, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर देखेगी तो देखेंगे तो यहाँ से ये इट मींस कि r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस बोथ इक्वेशन, इज सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, इज सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन. और हमें गिवन है कि अगर ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर कोई पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या है, उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है. ओके, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो आर वेक्टर क्या आ गया हमारे पास में, इट इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू आई कैप इज थ्री आई कैप, फिर आएगा प्लस जे कैप माइनस के कैप, आएगा प्लस में जे कैप माइनस के कैप, तो थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन.